जब उन्होंने एंट्री करी थी वो करीबन 15-20 आदमियों ने सबसे पहले एंट्री करी थी। वो उधर से इधर का दरवाज़ा नहीं खुला तो पीछे वाले घर से गेट तोड़ करके जब ऊपर गए थे वो सारे, इधर बराबर वाले घर से गए थे, यहाँ से आए थे सारे ऊपर। पापा जी और मैं, मेरे भाई थे, तीनों ऊपर थे उस टाइम पे। तो उन्होंने ऊपर का गेट तोड़ा, विंडो तोड़ के जब अंदर घुसे थे वो, उसमें उन्होंने मेरे पापा जी को खींच के बहुत मारा, मेरे भैया को भी बहुत मारा और हम सबको बहुत मारा। बहुत बदतमीजी की। इस बात पर हम भी ताज्जुब कर रहे हैं कि वो लोग हैं इसमें शामिल जो अखलाक के साथ उठते बैठते खाते पीते। जितने लोग इसमें दोषी हैं, ये 10 लोग तो वो हैं जो इस बेटी ने आइडेंटिफाइड वो किए, जिन्हें पहचान सकती थी इतनी भीड़ में। सीधे एक मुस्लिम परिवारों को टारगेट करते हैं, एक समुदाय को टारगेट करते हैं, मस्जिद है तो उसे टारगेट करते हैं, केवल एक ही घर और एक ही आदमी को टारगेट नहीं करते। कि बरार में जो मकान है, बड़े भाई का भतीजा भी यहीं था, उसकी बहू भी यहीं थी, दो बच्चे भी यहीं थे, एक बेटी भी यहीं थी, नहीं किसी ने कुछ कहा। जो समझदार लोग थे उस टाइम नहीं पहुंच पाए, शर्म की बात है। द वे हाउ द इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस एंड नो नेबर दे केम फॉर द रेस्क्यू ऑफ द विक्टिम्स एंड श्योरली द इन्वेस्टिगेशंस व्हाटएवर इज बीइंग टेकिंग प्लेस शुड बी ऑन अ हाई लेवल इंक्वायरीज ऑन अ हाई लेवल द डिमांड्स व्हाटएवर मेड बाय द फैमिली इट शुड बी टेकन इन कंसिडरेशन एंड द जस्टिस शुड बी डन विद द फैमिली। एक व्यक्ति को इस तरह मारना कोई इंसानों का काम नहीं। असली आतंकवाद ये है, असली आतंकवाद। जब से हमारे मोदी जी सरकार में आए हैं, और आप देख लीजिएगा जब से सरकार में आए हैं मुसलमानों के साथ मुस्तकिल ऐसी घटनाएं होती रही हैं, और जो जिन लोगों ने ये घटना की है यहाँ पर, कुछ दिन बाद देखना वो प्रधान भी होगा, उसको इनाम मिलेगा, वो जगह प्रधान होगा गाँव का, और वो यहाँ का हो सकता है MLA बन जाए। जब से इस तरह की घटना करने वालों को इस सेंटर की सरकार ने इनामात दिए, तो एक होड़ लगी है कि मुसलमानों को मारो, राइड करो और फिर सुरक्षा पाओ। बट आई एम सीइंग दिस इंसिडेंट नॉट इन द स्टेट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट, बिकॉज दिस कम्युनल एंड फासिस्ट फोर्सेज आर फियरलेस बिकॉज they have power in center and now they are so fearless that they know that whatever they do they will never be punished and such incidents are taking place one after the another and they are not the immediate or the abrupt incidents but they seems to be well planned and conspired. We would like that high level judicial demand judicial inquiry should look into the matter and the other matters as well which have taken place other places of the state. देख रहे इस चीज़ को कि बहुत ही गलत हुआ, बहुत बुरा। बहुत बढ़िया मिलनसार आदमी है जी, मैकेनिक का काम करे, मानो हमें भी कोई जरूरत पड़ जाए हर जगह अपने चले जाए करे काम, कोई लड़ाई ना दंगा ना कोई फसाद ना, एकदम अच्छा ना। इस क्षेत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना।